अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही प्यारा सा वाक्य लेकर हाजिर हुए हैं, तो चलिए बिस्मिल्लाह बोलकर शुरू करते हैं। एक आलिम ने एक बुढ़िया को चरखा चलाते देखकर फरमाया कि बड़ी भी सारी उम्र चरखा ही चलाया या अपने खुदा की कुछ पहचान भी की? बुढ़िया ने जवाब दिया कि बेटा, सब कुछ इसी चरखे में देख लिया। फरमाया, बड़ी भी यह तो बताओ कि खुदा मौजूद है या नहीं? बुढ़िया ने जवाब दिया कि हाँ, हर घड़ी और रात दिन हर वक्त खुदा मौजूद है। आलिम ने पूछा, मगर इसकी दलील? बुढ़िया बोली, दलील मेरा यह चरखा। आलिम ने पूछा, ये कैसे? वो बोली, वो ऐसे कि जब तक मैं इस चरखे को चलाती रहती हूँ, ये बराबर चलता रहता है, और जब मैं इसे छोड़ देती हूँ तब ये रुक जाता है। तो जब इस छोटे से चरखे को हर वक्त चलाने की ज़रूरत है, तो ज़मीन व आसमान, चाँद सूरज के इतने बड़े बड़े चरखों को किस तरह चलाने वाले की ज़रूरत न होगी? बस इसी तरह ज़मीन व आसमान के चरखे को एक चलाने वाला चाहिए। जब तक वह चलता रहेगा, ये सब चरखे चलते रहेंगे, और जब वह छोड़ देगा तो यह ठहर जाएगा। मगर हमने कभी ज़मीन और आसमान, चाँद सूरज को ठहरते नहीं देखा, तो जान लिया कि उनका चलाने वाला हर घड़ी मौजूद है। मौलवी साहब ने सवाल किया कि आसमान और ज़मीन का चरखा चलाने वाला एक है या दो? बुढ़िया ने जवाब दिया कि एक है। दावे की दलील भी यही मेरा चरखा है, क्योंकि जब इस चरखे को अपनी मर्जी से एक तरफ चलाती हूँ, यह चरखा मेरी मर्जी से एक ही तरफ चलता है, और अगर कोई दूसरी चलाने वाली भी होती तो ये मेरी मददगार होकर भी मेरी मर्जी के मुताबिक चरखा चलाती, तब तो चरखे की रफ्तार तेज हो जाती और इस चरखे की रफ्तार में फ़र्क आकर नतीजा हासिल ना होता। अगर वो मेरी मर्जी के खिलाफ और मेरे चलाने के मुखालिफ जहद पर चलाती तो चरखा चलने से ठहर जाता या टूट जाता, मगर ऐसा नहीं होता इस वजह से कि दूसरी चलाने वाली नहीं है। इसी तरह आसमान और ज़मीन का चलाने वाला अगर कोई दूसरा होता तो ज़रूर आसमानी चरखे की रफ्तार तेज होकर दिन रात के निज़ाम में फ़र्क आ जाता या चलने से ठहर जाता या टूट जाता। जब ऐसा नहीं है तो ज़रूर आसमान और ज़मीन के चरखे को चलाने वाला एक ही है,